हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर तीन क्लासेस, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज एंड क्लास ऑस्टेक्थीज। तो चलो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सब फाइलम वर्टिब्रेटा के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। देखो बच्चों, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो कॉर्डेट्स जिनमें कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट हो और बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाए, उन्हें हम लोग वर्टिब्रेटा में रखते हैं। तो देखो बच्चों, वर्टिब्रेटा सब फाइलम को ऑन द बेसिस ऑफ कि इनमें जॉब प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके बेसिस पे टू डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डिवीज़न इज़ इग्नाथा एंड सेकेंड डिवीज़न इज नेथोस्टोमेटा। तो देखो बच्चों, इनमें जो टर्म आ रहा है नेथोज, नेथा, नेथा बच्चों नेथोज वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है जॉज। तो जिनमें जॉज एब्सेंट होती है उसको एक नेथा में रखते हैं और जिनमें जॉज प्रेजेंट होती है उसको डिवीज़न नेथोस्टोमेटा में पुट किया गया है। और जो एक नेथा है बच्चों, उसके अंदर एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा आता है। और जबकि जो नेथोस्टोमेटा है, इसको फर्दर कि किस तरह के लोकोमोटरी अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, इसके बेसिस पे दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सुपर क्लास इज पाइसिस एंड सेकेंड सुपर क्लास इज टेट्रापोडा। बच्चों, सुपर क्लास पाइसिस को, पाइसिस के अंदर सारे के सारे इस अर्थ पे जितने भी ट्रू फिशेज हैं उनको इस सुपर क्लास पाइसिस में रखा गया है। और इसको फर्दर दो क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज एंड क्लास ऑस्टेक्थीज। जबकि जिनमें की लोकोमोटरी अपेंडेजेस लिम्स होते हैं उनको सुपर क्लास टेट्रापोडा में पुट किया गया है। और टेट्रापोडा सुपर क्लास को फर्दर चार क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लास एम्फीबिया, सेकेंड इज क्लास रेप्टिलिया, थर्ड इज क्लास ईव एंड फोर्थ इज क्लास मैमल्स। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन तीनों क्लास को डिस्कस करेंगे और आगे के वीडियो लेक्चर में इन फोर क्लास को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्लास, जो कि है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। देखो बच्चों, जो ये टर्म है साइक्लोस्टोमेटा, इसमें दो, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो दो वर्ड्स आते हैं, साइक्लो जिसका मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमाटा जिसका मतलब होता है माउथ। मतलब कि इस जो क्लास है इसमें जो एनिमल्स आएंगे उनका माउथ सर्कुलर होता है। क्योंकि इनका माउथ सर्कुलर होता है सो सकर की तरह ऐड करता है, जिसकी वजह से ये अदर एनिमल्स जैसे कि अपने से बड़े फिशेस पे ये एक्टोपैरासाइट की तरह अटैच हो पाते हैं। साथ में बच्चों, क्योंकि ये जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है वो डिवीज़न इग्नाथा के अंदर आता है सो इनके एनिमल्स में जॉज एब्सेंट होगा। बच्चों, इन ये जो एनिमल्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के, इनकी बॉडी बिल्कुल फिश की तरह दिखाई देती है। और इनकी बॉडी फिश की तरह दिखाई देती है, पर जैसे फिश आप लोग देखते हैं तो उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें फिन्स, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होता है, पर इनमें स्केल जो होता है वो एब्सेंट होता है। मतलब इनकी स्किन बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट होती है, इनमें पेयर्ड फिन्स जैसा कि फिश में प्रेजेंट होता है इनमें एब्सेंट होता है, जबकि इनमें अनपेयर्ड डॉर्सल फिन प्रेजेंट होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, जो कि आप लोग को साइक्लोस्टोमेटा में याद रखना है, वो ये है कि जो साइक्लोस्टोमेटा रहते हैं वो मैराइन वाटर में रहते हैं, पर ब्रीडिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। मतलब कि ये मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं फॉर ब्रीडिंग, और वहाँ पे ब्रीडिंग के बाद इनकी डेथ हो जाती है, एडल्ट्स की डेथ हो जाती है और उनके लार्वा मेटामॉर्फाइज करते हैं और दोबारा फिर मैराइन वाटर में आ जाते हैं। तो चलो बच्चों, अब इस क्लास के कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, इस क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, एंडोस्केलेटन यानी कि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनमें कार्टिलेज का बना होता है। इसके साथ साथ बच्चों, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है और हर्ट में इनके दो चैम्बर्स होते हैं, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। इनमें रेस्पिरेशन बच्चों गील्स की हेल्प से होता है
और इनमें अमोइकोटेई नाम का लार्वा प्रेजेंट होता है जो कि एकदम एम्फीऑक्सस की तरह होता है। एम्फीऑक्सस को आप जानते हैं ना, एक यूरोकॉर्डेट है। तो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली दोनों ही तरीके से जो इसका लार्वा है बिल्कुल एम्फीऑक्सस की तरह होता है। तो चलो लास्ट में अब इसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ पेट्रोमाइजॉन, जिसको कि बच्चों कॉमनली हम लोग लैम्प्रे कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैगजीन, जिसको कि कॉमनली हम लोग हैगफिश भी कहते हैं। तो बच्चों क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बाद अब हम लोग सुपर क्लास पाइसिस के अंदर जो दो क्लास है कॉन्ड्रिथिस और ऑस्टेक्थिस उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके भी पहले हम लोग सुपर क्लास पाइसिस के कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, सुपर क्लास पाइसिस के अंदर सारी की सारी जो ट्रू फिशेस हैं उनको इस सुपर क्लास में रखा गया है। इसके साथ साथ बच्चों, क्योंकि ये नेथोस्टोमेटा के अंदर आता है सो इनमें जॉज जो होता है वो प्रेजेंट होता है। बच्चों फिश की स्टडी को हम लोग कहते हैं इक्थियोलॉजी, और इसकी रियरिंग, कैचिंग और मैनेजमेंट को हम लोग कहते हैं पीसी कल्चर। फिश को तो बच्चों आप सबने देखा होगा कि फिश की जो बॉडी होती है वो स्टीम लाइन होती है और उनकी बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। इसके साथ साथ बच्चों इनकी पूरी जो स्किन होती है वो ऊपर से स्केल से कवर्ड रहती है, और साथ में इनमें हर्ट जो होता है वो टू चैम्बर्ड होता है, मतलब कि एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। इसके साथ साथ इन ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इनमें जो सेक्स होता है वो सेपरेट होते हैं, यानी कि ये डायोशियस होते हैं। तो बच्चों सुपर क्लास स्पाइसेस को बच्चों कि किस तरह का फिशेस के अंदर इंडोस्केलेटन प्रेजेंट है उसके बेसिस में दो क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लास इज क्लास कॉन्ड्रिथाइस एंड सेकेंड इज क्लास ऑस्टेक्थाइस। तो बच्चों जिन भी फिश के अंदर इंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेज का बना होता है उसको क्लास कॉन्ड्रिथाइस में रखते हैं, और जिनमें इंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है उनको क्लास ऑस्टेक्थाइस में रखते हैं। सो बच्चों क्योंकि कॉन्ड्रिथाइस के फिशेज में इंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है सो इन फिशेज को कॉमनली कार्टिलेजनस फिशेज भी कहते हैं। सेम उसी तरह जो ऑस्टेक्थाइस के फिशेस हैं क्योंकि उनमें इंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है सो इन फिशेस को बोनी फिशेस भी कहते हैं। तो चलो बच्चों अब हम लोग क्लास कॉन्ड्रिथाइस और क्लास ऑस्टेक्थाइस के फिशेस के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं इनमें ये मराइन होती हैं, जबकि जो बोनी फिशेस होती हैं वो दोनों ही, यानी कि मराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकती हैं। कार्टिलेजिनस फिश बच्चों इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, जबकि बोनी फिशेस का जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। इसके साथ साथ बच्चों कार्टिलेजिनस फिशेस में 5 से 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी तरह के ऑपरकुलम से कवर्ड नहीं होता है। और बच्चों बोनी फिशेस यानी ऑस्टेक्थाइस के क्लास के जो फिशेस हैं उनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होता है जो कि ऑपरकुलम से कवर्ड होता है। कॉन्ड्रिथाइस क्लास के जो फिशेस हैं बच्चों उनका जो स्किन होता है वो प्लैकोइड स्केल से कवर्ड होता है। इनकी जो जॉज होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है सो ये प्रेडेशियस होते हैं, जबकि जो ऑस्टेक्थाइस के फिशेस हैं इनमें जो स्किन होती है वो साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल से कवर्ड होती है। इनमें बच्चों एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है सो इन्हें डूबने से बचने के लिए हर समय स्विमिंग करना पड़ता है, जबकि जो ऑस्टेक्थाइस के फिशेज होती हैं उनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि इनको बायोंसी देता है। तो बच्चों कॉन्ड्रिथाइस के कुछ फिशेज में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल जो टॉर्पीडो है इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इसके कुछ फिशेज फॉर एग्जाम्पल ट्राइगन में पॉइजन स्ट्रिंग भी प्रेजेंट होता है। देखो बच्चों कॉन्ड्रिथाइस की जो फिशेस होती हैं इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये विविपेरस होती हैं, जबकि जो ऑस्टेक्थाइस के फिशेस हैं इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये ओविपेरस होते हैं। तो चलो बच्चों अब हम लोग इसके एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्ड्रिथाइस के एग्जाम्पल को, जिसमें कि फर्स्ट है स्कॉलियोडॉन, जिसको कि बच्चों कॉमनली हम लोग डॉग फिश भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो फिश है इसकी जो स्मेल के सेंसेशन होता है वो डॉग की तरह स्ट्रांग होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों प्रिस्टिस,
जिसको कि कॉमनली हम लोग सॉ फिश भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो फिश हैं इसका जो स्नाउट वाला रीजन है वो इलोंगेटेड ब्लेड की तरह होता है और उसमें टिथ भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों ट्राइगन, जिसको कि कॉमनली हम लोग स्ट्रिंग फिश भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों इस फिश के जो टेल वाला रीजन है वहाँ पे तीन स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है। सो लास्ट में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास ऑस्टिक थाइस के एग्जाम्पल्स को, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले मरीन फिशेस को देखेंगे, फिर फ्रेश वाटर को और फिर एक्वेरियम फिश को। तो देखो बच्चों, मरीन फिश में फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सोकॉर्टस, क्योंकि बच्चों ये जो फिश होती है इसका पेक्टोरल फिन विंग की तरह होता है, जिसके वजह से ये सी की सरफेस के ऊपर कुछ समय तक फ्लाई कर सकती है। सो इस एक्सोकॉर्टस को हम लोग फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों हिप्पोकैम्पस। बच्चों ये जो हिप्पोकैम्पस है, क्योंकि इस फिश का जो हेड वाला रीजन है वो हॉर्स की तरह दिखाई देता है, सो इसे कॉमनली हम लोग सी हॉर्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर फिशेस की, जिसमें फर्स्ट है लेबियो, जिसको कि कॉमनली बच्चों हम लोग रोहू कहते हैं। सेकेंड है कैटला, जिसको कि कॉमनली हम लोग कतला कहते हैं। एंड थर्ड इज क्लैरियस, जिसको कि कॉमनली हम लोग मंगूर कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्वेरियम फिशेस की। तो देखो बच्चों, इसमें पहला आता है बिट्टा। बिट्टा को बच्चों कॉमनली हम लोग फाइटिंग फिश भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके मेल होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं और फूड और शेल्टर के लिए फाइट करते हैं, सो इसे फाइटिंग फिश भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेरोफाइलम। टेरोफाइलम जो फिश है बच्चों, क्योंकि इनकी जो शेप और जो इनका फिन है वो बहुत लॉन्ग होता है, सो इसी के बेसिस पे इन्हें एंजल फिश भी कहते हैं। इफ़ दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।